ठीक है। और ये अदरक है क्या? अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन सब पेस्ट आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, कितना अच्छा आइटम भैया बनाते हैं। और चलिए अब ये जानते हैं भैया कितने रुपए प्लेट आप देते हैं? 70 का पूरे 50 का हाँ। थोड़ा एक प्लेट हमको दिखाइए 70 वाला। इनका एक्सपीरियंस देख रहे हैं कि 12 साल का कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है भैया का। देखिए देखिए कितना बढ़िया एक्सपीरियंस। और देखिए वो 70 रुपए वाला प्लेट बना रहे हैं अभी। अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ लगी है। अभी तो यार काफी ज्यादा लोग खा रहे थे। इस साइड भी एक दुकान। आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। अभी क्या बना रहे हैं भैया? नूडल्स तैयार हो रहा है। ठीक है, सो ब्लॉग में अंत तक जुड़े रहिएगा। और इतने देर जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और देखिए कितना एक्सपीरियंस भरा भाई का, एकदम हाथ तो ऐसे चला रहे हैं जैसे कि मशीन चल रही है, देख रहे होंगे। वाह भाई वाह, मान गए गुरुजी आपको। देखिए कितना बढ़िया नूडल्स तैयार हो गया। हेलो भाई, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देखे सीन कि आज हम मैक्चुरियन का वो सीन दिखाने वाले हैं कि कैसे बनाई जाती है उसको, और उसमें क्या क्या आइटम लगता है ये भी आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। सो आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। दिखाते हैं इसी दुकान पे कि कैसे मैक्चुरियन रेडी होती है। लाइव आपको प्रूफ दिखाएंगे और उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे भैया से। नहीं खाए हो तो खा लीजिए, और खाए हैं जो बताइए, कमेंट कीजिए कैसा है लगता है मंचूरियन। खाए कहाँ से भाई, जितने लोग यहाँ पे हैं वो तो खाए होंगे पता है, लेकिन आउट साइड के हैं तब तो नहीं मिलता है ये। ओनली मैं जब से आया हूँ सूरत में ही देखा हूँ इस आइटम को। ठीक है, सो ब्लॉग में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बैक कैमरा यूज करते हैं, देख सकते हैं अभी रोड पे काफी भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, काफी भीड़ लगी हुई है। और ये अंकल देखिए, हाय अंकल जी। और चलिए बैक कैमरा यूज करते हैं और दिखाते हैं पूरा सीन और पता करते हैं। तो पहले हम आपको वो लोकेशन दिखा देंगे कहाँ पे ये दुकान लगती है। ठीक है, तो सूरत शहर के पाली गांव, एक छोटा सा विलेज बोल सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं काफी भाई हमारे खड़े हैं जो कि ड्यूटी से आ रहे हैं। कितने लोग ड्यूटी यहाँ पे जा रहे हैं? ठीक है, इसी रोड के हाईवे है, अभी जस्ट आगे 200 मीटर आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक हाईवे मिलेगी जो कि सूरत रेलवे स्टेशन को जोड़ती है यहाँ से। ठीक है, और इसी के बाजू में आप देखते हैं तो यहाँ पे वो दुकान है। ठीक है, बनारसी नाश्ता सेंटर के नाम से ये दुकान फेमस है। ठीक है, सो ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। अब हम दुकान पे एंट्री करते हैं और दिखाते हैं। चलिए दिखाते हैं क्या क्या मिलता है यार। देखिए यहाँ पे ये प्लेट साजे हुए हैं। अभी ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने रुपए प्लेट ये देते हैं। ठीक है, बट दिखा दे थोड़ा आपको, ये क्या है भाई? चावल लग रहा है। ठीक है, चावल और ये कुछ। चलिए अंदर की साइड एंट्री करते हैं। देख सकते हैं कि थंबनेल पे कुछ इस प्रकार का पिक लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ राम जी का जो मंदिर बना है ना, उसका भी जय श्री राम वाला टेम्पल लगा है यहाँ पे। और यही देखिए, यही मैक्चुरियन है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप जहाँ से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं अंत तक देखिएगा, बिल्कुल टॉपिक सही है। और आपको हम हर एक वो चीज दिखाएंगे कि कैसे भैया मैक्चुरियन बना रहे हैं। ठीक है, अभी आप लाइव तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे मैक्चुरियन रेडी हो रही है। तो चलिए यहाँ पे अभी क्या डाल रहे हैं भैया? हेलो हेलो, क्या नाम पड़ेगा आपका? इनका मैं पिछला एक और वीडियो बनाया हूँ जिसको आप नहीं देखे हैं तो चैनल ओपन कीजिए, वहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर पे वो वीडियो मिल जाएगी। और रतन जी इनका नाम है। ठीक है, और ये काफी पुरानी दुकान है। चलिए इन्हीं से जानते हैं कितनी पुरानी दुकान है। भैया आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? 12 साल। वाह। और थोड़ा मैक्चुरियन के आइटम ये जो बन रहा है अभी, इसमें क्या क्या लगता है ये थोड़ा बताइए बनाने में। जी, और ये मेन आइटम इसका क्या होता है? मेन अच्छा, और थोड़ा मसाले के बारे में बता दीजिए। मसाला आता है इसमें, नमक आता है, अजवाइन मोटो, ब्लैक पेपर, मिर्ची पाउडर। आप देख सकते हैं लाइव वीडियो में ये क्या है, ये थोड़ा बताइए। ये ब्लैक पेपर है। देखिए दोनों एक ही जैसा लग रहा है लेकिन ये दूसरा चीज है। ये नमक है, साल्ट, और नमक है, अजीना मोटो है, और ये है ब्लैक पेपर जो गढ़वाल वाला है। ब्लैक पेपर। ठीक है, और ये अदरक है क्या? अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन सब पेस्ट आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, कितना अच्छा आइटम भैया बनाते हैं। और चलिए अब ये जानते हैं भैया कितने रुपए प्लेट आप देते हैं? 70 का पूरे 50 का हाँ। थोड़ा एक प्लेट हमको दिखाइए 70 वाला। तो देखिए अभी आपके सामने लाइव तस्वीर में दिखा पा रहा हूँ कि किस प्रकार से इनका एक्सपीरियंस देख रहे हैं कि 12 साल का कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है भैया का। देखिए देखिए कितना बढ़िया एक्सपीरियंस। और देखिए वो 70 रुपए वाला प्लेट बना रहे हैं अभी, और काफी अच्छा लगा, वीडियो शूट करने में भी अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए कितना मजेदार बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप आइट साइड से देख रहे हैं ये वीडियो तो आइए यहाँ पे और खाइए। सरक रहा है भाई, ये देखो सरक रहा है। हे 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 प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देखिए इसमें अभी और भी आइटम डाल रहे हैं भैया। ठीक है,
चम्मच चम्मच लगा करके किसी एक व्यक्ति को देंगे। 70 का ये हो गया, ये 70 का बना रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं 70 का ये पनीर है। लंबा अनुभव है उनको, हाँ इस चीज का काफी लंबा अनुभव है। कहाँ से हैं भैया आप, कहाँ से हैं आप? अरे हम यही पड़ोसी हैं उनके। पड़ोसी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम नाम हेवन भाई नाम है। अच्छा चलिए थैंक यू जी। और देखिए वहाँ पे ये सलाद के आइटम में रखे हैं क्या? सलाद है, थोड़ा दिखाइए। देखिए सलाद है और यहाँ पे मिक्स छोटा सलाद गाजर इसमें आता है, गाजर भी। अच्छा गाजर वजर भी सब कुछ है इसमें, और शिमला आता है और कांदा वंदा फ्रेश आता है एकदम। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया आइटम रेडी यहाँ पे बन के हो चुका है। और देखिए इसका आधा कर देंगे, वो 50 वाला हो जाएगा क्या भैया? अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ लगी है। अभी तो यार काफी ज्यादा लोग खा रहे थे। इस साइड भी एक दुकान है, देख सकते हैं यहाँ पे समोसा चाट पकौड़ा इस प्रकार की यहाँ पे दुकान है, लिट्टी वट्टी मिल रही है ठीक है। और राइट साइड आप देख सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा निकल रहे हैं इस रोड से, इसी रोड के साइड में ये दुकान लगती है। भैया वो घिसकी रोम रखे हैं क्या, थोड़ा उसको बता दीजिए क्या है वो? सिजवन आता है, विनेगर आता है, सॉस रहता है, सब मसाले का आइटम है। सब वो मसाले का आइटम है, सब मसाले का आइटम है। वो उसमें मस्टर्ड वाला है क्या, करुआ तेल वो साइड वाला उसमें आता है, वो येलो कलर आता है। अच्छा और ये प्लेट आप खाली दिखावे के लिए रखते हैं या इसे यूज भी करते हैं? इसमें बड़े में सूप आता है, हाफ और फुल सूप बनाया जाता है। सूप अभी ये बना रहा हूँ मैं। अच्छा देखिए देखिए इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। नूडल्स बना रहा हूँ। नूडल्स बना रहे हैं आप लोग लाइव वीडियो में अभी तक जुड़े रहिएगा। और अभी तक जुड़े हैं तो दिल के गहराइयों से भाई थैंक यू कि इतने देर तक आप वीडियो देखे। अभी वाच आप लोग फुल वीडियो नहीं करते हैं यार, आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। अभी क्या बना रहे हैं भैया? नूडल्स तैयार हो रहा है ठीक है। सो ब्लॉग में अंत तक जुड़े रहिएगा और इतने देर जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और देखिए कितना एक्सपीरियंस भरा भाई का, एकदम हाथ तो ऐसे चला रहे हैं जैसे कि मशीन चल रही है, देख रहे होंगे आप लाइव तस्वीर में। देखिए मशीन जैसे एकदम हैंड, वाह भाई वाह, मान गए गुरुजी आपको। देखिए कितना बढ़िया नूडल्स तैयार हो गया। अच्छा इसका प्राइस नहीं बताया भैया, इसका प्राइस बताइए। सेम प्राइस, सेम प्राइस सेम ही है। अब प्लेट भी सेम ही है या मतलब प्लेट दूसरा आता है इसके लिए? नहीं, हाफ का अलग आता है, फुल का अलग आता है। अच्छा हाफ का अलग आता है और फुल का अलग आता है, आप देख रहे होंगे लाइव वीडियो में। इसके लिए कुछ और मटेरियल डाल रहे हैं उधर से भैया ठीक है। देखिए कितना बढ़िया बन के रेडी हो चुका, एकदम देखने से तो यार लार छू जाता हमार। हाँ ऐसा कुछ हो रहा है फील हमें अंदर से कि भाई अभी तो पेट भर गया, यहीं पे खाया मैं। आप लोग क्या अनिश जी क्या बोल रहे हैं? मन कर रहा है कि मैं खा लूं इसको। खाने का मन कर रहा है अनिश जी को ठीक है। देखिए भैया का ये नूडल्स भी तैयार हो गया, देखिए निकालने का बड़े बढ़िया तरीका लगाए हैं। वहाँ पे पार्सल हो रही है किसी भाई के लिए, देख रहे हैं कितना बढ़िया से पार्सल भी करने के लिए व्यवस्था लगाए हैं। निकालने का भी तरीका इनका अलग है, सबसे अलग है, सबसे हटके है। और यहाँ देख रहे हैं कि ये भैया ये तो हमें गोलगप्पा वाला पानी लगा जी। नहीं नहीं, ये मसाले वाला पानी, मसाले वाला पानी है, ये मसाले का गर्म पानी है। चलिए यहाँ की लाइव तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे, इधर भी चार सीटें हैं, इधर भी कुछ सीटें आपको दिख रहे होंगे। उधर अंकल खा रहे हैं, इधर दो छोटे बाबू खा रहे हैं ठीक है। और नीचे के साइड में देखेंगे तो एक फ्रीजर है और यहाँ पे भी दो चार लोग बैठकर खा सकते हैं, मतलब काफी बढ़िया। देखिए वहाँ पे छोला भटूरा पूरी सब्जी इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है और थम्सअप स्प्राइट इस टाइप का, वहाँ पे कुछ फंटा इस टाइप का कुछ बैनर लगा हुआ है, देख सकते हैं काफी अच्छा सजा वजा कर रखते हैं। साफ सुथरा इस दुकान पे काफी अच्छी मिल रही होगी आपको देखने को, देखिए काफी साफ सुथरा। देख रहे होंगे कि कितना अच्छा ये मार्केट में ये दुकान है। और चलिए उधर एक लास्ट भैया के पास चलते हैं, थोड़ा दिखा दे उधर भी कुछ सीन हम, और उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए यहाँ पे जिलेबी, आप 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाला वीडियो नहीं देखें तो जाइए चैनल पर देखिए। भैया 26 जनवरी से आप यही बना रहे हैं क्या, जिलेबी ही? और ये मास्क क्यों लगाए हैं, कोरोना तो अभी खत्म हो गया, निकालिए इसको। जुकाम हो गया है ना, जुकाम हो गया इसलिए। चलिए जुकाम से बचने के लिए भैया लगाए हैं, थोड़ा बनाइए बनाइए, हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं आपका, थोड़ा देखेंगे। देखिए कैसे अभी तो लग रहा है कि तेल भी आपका गर्म नहीं हुआ है। तेल गर्म ज्यादा नहीं रहता है। अच्छा इसके लिए ज्यादा नहीं रहता है। चलिए जितना मतलब हमारा काफी एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, भाई भैया का एक्सपीरियंस है, बता रहे हैं कि ज्यादा गर्म में ये जिलेबी नहीं निकल सकती ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इधर बना करके रखे हैं, उधर भी कुछ आइटम आपको दिख रहा होगा। भैया आप थोड़ा अपना फेस भी दिखाइए क्योंकि लोग बोलेंगे कि भाई दिखाए। हाँ दाढ़ी बचल है, KGF चैप्टर 2 आने वाली है, आ गई है। उधर भी एक भाई मुस्कुरा रहे हैं, देखिए उधर भी भैया को आप पहचानते होंगे वीडियो में। चलिए अब ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, देखिए थोड़ा सा आप लोकेशन देख सकते हैं इस प्रकार से, ये लोकेशन है। और लोकेशन दिखाने के बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि काफी लॉन्ग हो चुके हैं ये वीडियो। चलिए भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा? भाई अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में होगा एक घंटी, उसे दबाना ना भूलिए। उसको दबाने से क्या होता है कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे आप सबसे पहले देख पाएंगे। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कैसा लगा ये ब्लॉग और कैसे लगी ये टॉपिक।
अगली टॉपिक में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय भारत।